कैमूर के सदर अस्पताल में मरीजों से खुलेआम लूट हो रही है। यहां के डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीजों का निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन करके पैसे वसूलते हैं और इसके बाद फिर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। डीएम को अस्पताल के निरीक्षण के दौरान इस धांधली का पर्दाफाश हुआ। कटघरे में है कैमूर का सदर अस्पताल। कहने को तो यहाँ 100 बेड हैं और डॉक्टरों की संख्या 20, लेकिन मौके पर डॉक्टर नदारद मिलते हैं। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों का आरोप है कि यहाँ के डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में ले जाकर ऑपरेशन करते हैं और पैसे वसूलने के बाद फिर से इन्हें अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। ऑपरेशन के लिए मिश्रा जी कहाँ अपने हॉस्पिटल में जाके? हाँ वो परवाह नहीं करना, हॉस्पिटल है। हाँ हाँ पैसा भी लेना? हाँ हाँ 5000 रुपया ले। 5000 रुपया लिए? तो फिर क्या बोले? 5000 रुपया लेकर? 5000 रुपया लेके सुई देना, दवा देना, जीवने से की अब दवा हो रही है। चल अस्पताल में धांधली की शिकायतों के बढ़ने के पुरिंदर से परेशान डीएम ने औचक निरीक्षण किया तो बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। दो पेशेंट देखे गए जिनके द्वारा बताया गया कि हर्निया और अपेंडिक्स का यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है हमारा बाहर। उनसे पैसा भी लिया गया है? उनसे पैसा भी लिया गया है, तो इसकी एक अलग से जांच कराई जाएगी। ऐसा लग रहा है कि बाहर से जो है ऑपरेशन करके और यहाँ मरीजों को ले आके भर्ती कर दिया। आरोपी डॉक्टर इस मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। पूरे मामले को उन्होंने सिविल सदन की साजिश करार दिया है। अपनी कमी को छुपाने के लिए सिविल सर्जन ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि हम बाजार में नंगा हो गए जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। आरोपों से तिल मिलाए डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने अस्पताल में संसाधनों की कमी की कलाई खोल कर रख दी। ओटी में जहाँ हम लोग ऑपरेशन करते हैं स्टेबलाइजर खराब है, लाइट नहीं चलता है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं। मैं हेल्दी आदमी, मैं 7.5 नंबर का ग्लव्स पहनता हूँ, एक भी ग्लव्स उपलब्ध नहीं है, मरीज लाता है ग्लव्स। लगे हाथ डॉक्टर साहब अपनी ईमानदारी का बखान करने में भी नहीं चुके। इंजरी पोस्टमार्टम में जिसमें बहुत स्कोप है, हम तो कभी एक पैसा लिए नहीं, तो हम इसमें उसके जान बचाने के लिए 4-5 हजार रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं, ये गलत आरोप। हॉस्पिटल में हो रही हेराफेरी की हकीकत तो जांच के बाद ही पता चलेगी, तब शायद दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके। लेकिन इन मरीजों का क्या गुनाह जो सरकारी सुविधाओं की बंदरबांट से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अशोक कुमार सिंह, सहारा समय, कैमूर।